कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बनाएंगे जी पालक खिचड़ी, जो बन जाएगी झटपट और बहुत ही हेल्दी भी और स्वाद भी। तो चलिए करते हैं जी इसे बनाना शुरू। मत करियो। यहाँ बाउल में हमने ले लिए जी चावल और दाल, यानी दाल लिया आज हमने चने की, और चावल है बासमती चावल फुल वाले, और इन सबको कर लिया अच्छे से मिक्स। अब हम क्या करेंगे जी, इसको वॉश करके सोक करके रख देंगे फॉर हाफ आवर। अच्छे से वॉश कीजिएगा 3 से 4 बार ऐसे मलते हुए, ताकि इनकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। हाँ जी, तो हाफ आवर हो चुका है हमारे दाल और चावल को रिंस होते हुए वॉश करने के बाद, हमने सोक कर दिया था। तो हाफ आवर सोक करने के बाद यहाँ ले लिया मैंने 2 ग्लास ऑफ वाटर 300 ml। अब अपने राइस और दाल को हम कर देंगे जी इसमें प्लेस। अच्छे से उठा उठा के डालिएगा, ताकि बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाए, और नीचे का जो एक्स्ट्रा वाटर बचेगा जिसमें आपने सोक किया था उसे फेंक दीजिएगा, या अपने प्लांट्स में दे दीजिएगा। प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये वाटर जो होता है सोक किया हुआ दाल चावल का। ठीक है जी। हाँ जी, वाटर में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर इसमें कर देना है ऐड। 1 इंच अदरक का टुकड़ा साथ में डाल दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अपने दाल और चावल को करछी से कीजिए अच्छे से मिक्स, और कुकर को लिड लगा के बंद कर दीजिए। 3 से 4 आने दीजिए इसमें बेसन। खिचड़ी हो गई है जी हमारी बनके तैयार। अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस शुरू, क्योंकि हम आज बिल्कुल हटके और जबरदस्ती खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी में ऐड करने के लिए मैंने ले लिए कुछ वेजीज। गाजर ले लिए 2 कट करके, कैप्सिकम ले लिए यानी कि शिमला मिर्च 2, उनको भी कट कर लिया, मीडियम साइज की ली थी जी, और 2 मीडियम साइज की अनियंस को भी कट कर लिया। 1 इंच जिंजर के टुकड़े को यानी अदरक के टुकड़े को कट कर लिया। 2 ग्रीन चिलीज लिए। पालक को हमने ग्राइंड करके बाउल में निकाल लिया है, और कुछ लिए जी मसाले, जिसमें 1/2 चम्मच नमक लिया, 1/2 चम्मच लाल सुर्ख मिर्च लिया, 1/2 चम्मच लिया है गर्म मसाला, 1/2 चम्मच लिया है स्पेशल मसाला, और 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर। साथ लिए हैं 2 तेज पत्ते और 4 लाल मिर्च भी। यहाँ पे ऑयल को हमने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था, ऑयल हो चुका है जी हमारा जबरदस्त तरीके से गर्म। अब आपने इसमें तेज पत्ता को चटकने के लिए कर देना है जी ऐड, साथ में लाल मिर्चे और 1 चम्मच जीरा जाएगा। इन सबको अच्छे से देने भूनने दीजिए मीडियम फ्लेम पे। अब पिंच ऑफ हींग भी इसके अंदर हमने साथ में ही डाल दी है, और वो भी गई है चटक। अब बारी आई जी अदरक की, अदरक को भी अच्छे से चटकने दीजिए। लाल मिर्ची मैंने निकाल ली है, इसको हम यूज करेंगे जी ऊपर से लगाने के लिए लाल मिर्ची को। ये देखिए सब चीजें अच्छे से चटक गई है। अब अनियंस की बारी आएगी जी, करेंगे जी अनियंस को इसके अंदर हम ऐड। अब हमारे अनियंस जो है वो जाने लगे हैं, और इनको हमने अच्छे से भून लेना है। जैसे कि अनियन हमारा भून चुका है, अब गए जी टमाटर जो हमने चॉप किए हुए थे 2, और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखिएगा और करछी को चलाते रहिएगा, ताकि आपका सामान जले नहीं। चैनल को याद से कर लीजिएगा बेल बटन के साथ सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 2 मिनट हो गए हैं हमारे टमाटर को अनियन के साथ फ्रेंच डिप करते हुए यानी कि भूनते हुए। अब हमारी जो कैरेट है कटी हुई, उसको भी हम कर रहे हैं जी इसमें ऐड, साथ ही में कैप्सिकम को भी डाल दिया जी, और सबको आपने अच्छे से भूनना है, और इनको एक क्रंच आने देना है। ऐसी इनकी भुनाई करनी है ना कि मज़ा आ जाए। बस मसाले को करने लगे हैं जी हम इसमें ऐड, अपने सारे मसाले डाल दिए। आप क्वांटिटी जो है मसालों की रखिएगा, जितनी आपकी दाल चावल और पालक की क्वांटिटी होगी या वेजिस की होगी। आप चाहें तो इसमें से कोई वेजिस को स्किप भी कर सकते हैं, अपनी मनपसंद वेजिस को कर सकते हैं ऐड। वैसे तो अगर आप ये सब वेजिस डालेंगे ना, तो स्वाद और भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मसाला डालने के बाद अच्छे से भून लीजिए इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे, जैसे मैं भून रही हूँ, ताकि सब्जियों में बहुत अच्छे से मसाले का जायका आ जाए। वेजिस में मसाला अच्छे से भून चुका है जी। अब जो पालक का प्यूरी है, जो हमने पेस्ट बना के ग्राइंड किया था पालक का, उसको इसमें कर दिया है जी हमने ऐड, और इनकी करेंगे अब भुनाई अच्छे से मसाला वेजीज और पालक की।
जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा जी, फिर कवर करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे पालक को। और वेजीज और पालक की दोस्ती हो रही है, आपको दिख रहा होगा जी, बॉयल्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, एक लेड लेनी है और इसको कर देना है कवर 5 से 7 मिनट के लिए, जैसे मैं कर रही हूँ। लेड हटा ली है जी हमने पालक और वेजीज की, आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है फ्रेंडशिप। अब आपने जो अपनी खिचड़ी बनाई थी उसे लीजिए और इसमें करते जाइए ऐड, थोड़ा सा पानी भी ना ड्राई हो गया खिचड़ी का, बट इट्स ओके क्योंकि हमारी पालक में ऑलरेडी बहुत है, कर दिया जी इसमें मैंने ऐड। अब आपने खिचड़ी और इसकी जो है फ्रेंडशिप करवानी है तो अच्छे से कीजिएगा मिक्स, ये देखिए, ताकि सारी जो हमारी खिचड़ी है वो पालक से हो जाए अच्छे से कोट, और वेजीज से भी, और मसालों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, मेरे स्टाइल से आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि ये पालक खिचड़ी आपको कैसी लगी है। अगर आपके बच्चे ऐसे पालक नहीं खाते या खिचड़ी नहीं खाते, इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन और टेम्पटिंग और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने वेजीज भी बहुत सारी ऐड की है। इसको अब आपने कवर करके रखना है जी फिर से 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि पालक का और वेजीज का फ्लेवर जो है वो अच्छे से हमारी खिचड़ी के अंदर आ जाए। कर देंगे जी इसको हम लिड से कवर अगेन, 10 मिनट्स हो चुके हैं जिसको कवर करके रखे हुए, तो अब चेक कर लेते हैं। हमारी खिचड़ी जो है वो हो चुकी है रेडी, पालक खिचड़ी जो हमने बनाई है, ये देखिए लग रही है ना बहुत ही बेहतरीन, फ्लेम भी बहुत अच्छी आ रही होगी, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, और इसको अब हम गार्निश कर देंगे जी फ्रेश कोरिएंडर और रेड चिलीज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी उसके साथ। प्रेजेंट है जी आपके सामने हमारी पालक खिचड़ी, बहुत ही वाव और यमी सी बनी है ये, जस्ट ट्राई दिस रेसिपी।